Primary learning with Prax. आज हम करेंगे यूनिट 7 का फिफ्थ लेसन, पांचवा लेसन जो है द मंकी एंड द लॉग। और आज हम सीखेंगे कि इस लेसन में से, इस पार्ट में से हम क्या सीख सकते हैं और ये पार्ट हमें क्या बता रहा है। तो चलिए साथ में हम पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम सर्टेन वर्कमैन वर बिजी बिल्डिंग अ टेम्पल। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक समय पर सर्टेन वर्कमैन, कुछ कारीगर, वर बिजी बिल्डिंग अ टेम्पल, कुछ कारीगर जो कुछ कामगार क्या काम कर रहे थे, एक मंदिर बांध रहे थे। फिर यहाँ पर लिखा है व्हेन इट वाज नून, जब दोपहर हुई। अब जो दोपहर है वो होता है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, पूरा शब्द है आफ्टरनून, पर यहाँ पर उन्होंने उसी शब्द को छोटे में लिखा है नून। नून आफ्टरनून एक ही है और ये समय होता है 12 से 4, 4 के बाद हम गुड इवनिंग कहते हैं। तो गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून का समय 12 से 4। व्हेन इट वाज नून, जब सर पर धूप चढ़ती है उसे कहते हैं नून। राम राव लेट्स गो टू द टाउन फॉर लंच। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो कामगार यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक है राम राव और ये दूसरा है श्याम राव। ओके श्याम राव, आई जस्ट पुट अ वेज हियर एंड कम। तो वो कहता है ठीक है राम राव, श्याम राव मैं चलता हूँ। ये एक राम राव हो गया, एक श्याम राव हो गया। तो श्याम राव कहता है राम राव से कि चलो चलते हैं शहर जाकर खाना खा लेते हैं। तो अब राम राव कहता है श्याम राव से, सो ओके श्याम राव, आई जस्ट कम, मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये जो लकड़ी काट के रखी है इसमें एक वेज डाल देता हूँ। वेज मतलब लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे हम लकड़ी के बीच में डालते हैं कि तासु जो लकड़ी काट के रखी है उसने, क्योंकि आधा ही काटी थी, आधी काटी थी, पूरी नहीं काटी थी, तो जो उसने आधी काट के रखी थी वो वापस से बंद ना हो जाए। तो पहले जब हमारे पुराने घर होते थे या गांव वगैरह में जो घर होते थे, हम इसे दरवाजा रोकने के लिए इस्तेमाल करते थे। दरवाजे के वहां पर लकड़े का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया जाता था दरवाजे के बीच में, ताकि दरवाजा बंद ना हो जाए। उसी तरह से वो कहता है मैं लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा जरा डालकर आता हूँ। अब इन्होंने यहाँ पर टुकड़ा डाल दिया, ये हम देख रहे हैं छोटा सा टुकड़ा। फिर ये कहते हैं लेट्स होप No one touches that wedge while we are away. अब ये कहते हैं कि अच्छा होगा, अब ये आशा है हमारी, अच्छा हो कि कोई से छुए नहीं, no one touches, कोई भी इस लकड़ी के टुकड़े को हाथ नहीं लगाए जब हम यहाँ पर नहीं हैं, while we are away, जब हम यहाँ पर नहीं हैं। अब ये लोग चले गए खाना खाने। अब क्या होता है, Suddenly a monkey arrived. अब यहाँ पर कोई नहीं देखकर वहां पर एक बंदर आया, और बंदर क्या करते हैं, बंदरों वाली हरकतें। तो यहाँ पे लिखा है बंदर अब सोचता है व्हाट इज दिस पीस ऑफ वुड डूइंग हियर, यहाँ पर ये लकड़ी का टुकड़ा क्या कर रहा है, इसे यहाँ पर इस तरह से क्यों रखा गया है, क्यों अटका दिया गया है। अब ये सोचता है आई वंडर व्हाट विल हैपन इफ आई पुल इट आउट, अगर मैं इसको निकाल दूं तो क्या होगा, अब वो सोच रहा है। देखिए अब जब हम ये यहाँ पे अब लिखा है आह, अब वो कोशिश कर रहा है निकालने की, इट्स टफ, ये तो बहुत ही कठिन है, इट्स टफ कठिन है, लेकिन अब वो इतनी ताकत लगाकर उसे निकाल रहा है तो आउट इट केम, अब वो निकल गया। अब जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा निकला क्या हो गया, वो चिल्ला रहा है हेल्प, मदद कीजिए, मदद कीजिए, क्यों मदद कीजिए। द गैप क्लोज्ड इन ट्रैपिंग द मंकीज टेल, जैसे ही वो लकड़ी का टुकड़ा बाहर आया वो जो लकड़ी थी वो बंद हो गई, और बंदर की जो पूंछ थी वो इस लकड़ी के गैप में अटक गई। अब वो बंदर जो है रोने लगा, द पुअर मंकी क्राइड इन पेन,
हम जब कभी किताब वगैरह भी पढ़ते हैं तो वो अपने आप बंद नहीं हो जाए, अपने आप पर बंद नहीं हो जाए, हम हमेशा कोई पेन पेंसिल या रूलर ऐसी कोई चीज़ रख कर जाते हैं कि अगर पन्ने पलट भी जाएं तो हमें आसानी से पन्ना मिल जाए। इसी तरह से उन्होंने भी लकड़ी का टुकड़ा डाल कर रखा था कि जो लकड़ी उन्होंने जो आधी काट के रखी है वो फिर से बंद ना हो जाए। अब जब इस बंदर ने लकड़ी का टुकड़ा निकाला तो उसकी खुद की पूंछ अटक गई। अब वो वहां पर रोने लगा क्योंकि अब उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो इससे हमने क्या सीखा, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, सो वी शुड नॉट मेडल विद थिंग्स दैट आर नॉट कंसर्न्ड टू अस। मतलब जो चीज हमारे बारे में नहीं हो, हमारे लिए नहीं हो, हमारे काम की चीज नहीं हो, उसमें हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पापा मम्मी हमसे कहते हैं कि बेटा उसको छुओ मत, तो उसे हमें नहीं छूना चाहिए कि उनकी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है। अगर आपका दोस्त कहे नहीं ये तो मेरा है इसे मत लो, तो आपको उसे नहीं छूना चाहिए, वो ये बातें दखल अंदाजी हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मेडल विथ थिंग्स, उन चीज़ों के साथ हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए दैट आर नॉट कंसर्न टू अस, जो हमारे बारे में नहीं है, जो हमारे काम की नहीं है। तो इससे हमने सीखा कि हमें सिर्फ अपने काम में ध्यान देना चाहिए, इधर उधर हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अब हम इसका लेसन एक्सरसाइज भी करेंगे। तो दूसरों की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ अपनी ही चीजें करनी चाहिए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, लर्न एंड राइट द वर्ड्स नीटली, और ये शब्द क्या है, वर्कमैन, टेम्पल, टच, सडनली, वंडर, बिल्डिंग, वेज, लंच, अराइव्ड, मेडल, ट्रैपिंग, कंसर्न्ड। तो ये शब्द आपको लिखकर इनकी स्पेलिंग लर्न करनी है। फिर आया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन वो है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस। पहला उन्होंने हमें करके दिया है एज एग्जाम्पल। तो पहला है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, हम कहानी के अनुसार भी लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी के अनुसार भी लिख सकते हैं, अ मंकी। आप लिख सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फेरी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गर्ल, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ, अगर आप चाहें तो रैबिट, ऐसा कुछ भी जो आप चाहते हैं कि आप इस तरह से अपनी कहानी बनाएं, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर वंस अपॉन अ टाइम देयर वर, अब ये वॉज था तो एक ही लिखना है, पर ये वर है तो एक से ज्यादा। तो हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वर, एक से ज्यादा, ध्यान रखें, तो सम चिल्ड्रन और टू चिल्ड्रन, सम फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स, थ्री चिल्ड्रन, फोर फ्रेंड्स, और सम मैन, मैनी मैन, फ्यू मैन, थ्री मैन, टेन मैन। इस तरह वर, इट हैज टू बी मोर देन वन, एक से ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने वर्ब इस्तेमाल किया है वो है वर। वर आता है जब एक से ज्यादा हो। सिर्फ एक के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वॉज। अब फोर्थ सेंटेंस, आई वंडर, मैं सोचता हूं। अब आप इसके लिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है वेयर दे वर गोइंग, और आई वंडर वॉट दे वर डूइंग, I wonder how many were there. I wonder what happened to them. I wonder why they were crying. I wonder why they were laughing. इस तरह आप किसी भी तरह का प्रश्न बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर फाइनली फिफ्थ सेंटेंस है, I hope. अब I hope they did well. I hope they were safe. I hope they remained healthy. I hope they found what they were looking for. I hope they were honest always. I hope they did it together. तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से ये वाक्य बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। और चौथा उन्होंने दिया है हमें, enact the story. तो ये स्टोरी आप अपने क्लास में
जो श्याम राव राम राव और बंदर वाली स्टोरी है, ये आप अपने क्लास में अलग अलग फ्रेंड्स के साथ इस स्टोरी को खुद कर सकते हैं, इनैक्ट इसकी ड्रामा कर सकते हैं, इसकी एक्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने ख़त्म किया हमारा मंकी एंड द लॉग का एक्सप्लेनेशन भी और एक्सरसाइज भी। थैंक यू सो मच। ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, और कुछ अगर आप चाहते हैं कि हम करें, एक कोई लेसन एक्सरसाइज अगर आप चाहते हैं कि हम बनाएं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। Do remember to like, share, subscribe and click the bell icon to stay updated on all of the latest videos. Please let us know in the comment section below what other lessons you would like us to make. We would love to hear from you. Thank you for watching.